हेलो फ्रेंड्स, एक डेवलपमेंट ऑफिसर का प्राइमरी रोल होता है रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट्स, मगर कई बार इतने सीधे और सरल रोल को हम पेचीदा बना देते हैं, मतलब कंफ्यूजिंग कर देते हैं। ऐसा सुना है कि जो चीज़ हमारे पास होती है वही चीज़ हम सामने वाले को दे सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास कन्फ्यूजन है तो मैं सामने वाले को कन्फ्यूजन दूंगा, और अगर हमारे पास क्लैरिटी है तो हम सामने वाले को क्लैरिटी ही देंगे। एक डेवलपमेंट ऑफिसर को रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी तरह से क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस बात में कन्फ्यूज़ रहते हैं। कुछ लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि 4 महीने मैं सिर्फ रिक्रूटमेंट करूँगा, उसके अगले 4 महीने मैं सिर्फ ट्रेनिंग दूंगा, और उसके अगले 4 महीने में मैं बिजनेस करूंगा। कई लोग तो सिर्फ रिक्रूटमेंट में ही लगे रहते हैं, ट्रेनिंग और बिजनेस भूल जाते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ ट्रेनिंग ही करते रहते हैं और बाकी के 2 रोल भूल जाते हैं। दोस्तों, ये तीनों रोल हमें साइमल्टेनियसली निभाने हैं। अगर एक डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूट नहीं करेगा तो ट्रेनिंग किसे देगा, और ट्रेनिंग नहीं देगा तो बिजनेस कहाँ से आएगा। दोस्तों, अगर रिक्रूटमेंट के 5 सिंपल वेज आप जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारा आज का वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं मिलिन वालावलकर, डेवलपमेंट ऑफिसर एंड SBA फ्रॉम MDO2। हमारे आज के वीडियो में मैं मेरे सारे कलीग्स डेवलपमेंट ऑफिसर और SBAs का स्वागत करता हूं, जिसका टॉपिक है 5 सिंपल वेज ऑफ एजेंसी कैनवासिंग। नंबर 1, किसी भी प्रोस्पेक्ट को सिर्फ 3 सिंपल क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आपको एडिशनल इनकम करने में इंटरेस्ट है? अगर उसका जवाब यस है तो क्वेश्चन नंबर 2, ये एडिशनल इनकम करने के लिए क्या आप एडिशनल एफर्ट्स मतलब मेहनत लेने के लिए तैयार हो? अगर इसका आंसर यस है तो क्वेश्चन नंबर 3, एडिशनल इनकम करने के लिए आपको थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? ओनली 3 सिंपल क्वेश्चंस। अगर उस कैंडिडेट ने इन तीनों प्रश्नों का जवाब यस दिया है तो उसे बिठाकर आप LIC एजेंसी समझा सकते हैं, मगर अगर 3 में से 1 भी क्वेश्चन का आंसर उसने नो दिया है तो ये हमारे लिए सही कैंडिडेट नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट एडिशनल इनकम करने के लिए एडिशनल एफर्ट्स नहीं लेना चाहता या तो एडिशनल नॉलेज नहीं लेना चाहता, वो हमारे लिए सही कैंडिडेट नहीं है। ये 3 प्रश्न आप अपने आजू बाजू में रोज के रोज दिखने वाले किसी से भी कभी भी और कहीं पे भी कर सकते हैं, और ये सबसे आसान तरीका है रोज के रोज प्रोस्पेक्टिंग करने का। आप इन 3 प्रश्नों का एक छोटा सा कार्ड अपने लोकल लैंग्वेज में बनाकर अपने एरिया में उसका सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं और प्रोस्पेक्टिव एजेंट्स ढूंढ सकते हैं। नंबर 2, अपने आजू बाजू में जितनी सारी छोटी छोटी ऑफिसेस होती है जहाँ पे 2, 5, 10 लोग स्टाफ काम करता है, ऐसे ऑफिसेस में जाकर उनके ओनर से मिलिए और उन्हें सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑफिस चलाने का आपका हर महीने का अप्रोक्सीमेट खर्चा कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये खर्चा मैं आपको कमा के दूं तो आपको कैसा लगेगा? अब वो आपसे ज़रूर पूछेगा कैसे। इस वक्त उसे LIC एजेंसी समझाइए और उसे विश्वास दिलाइए कि अगर आप LIC एजेंसी लेते हैं तो मैं मेरा पूरा सपोर्ट आपको दूंगा, जिसके तहत आप अपने ऑफिस का पूरा खर्चा कमा सकते हैं। नंबर 3, सामने वाले प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि क्या आपके नज़र में
ऐसा कोई व्यक्ति है जो 30 से 40 उम्र के बीच में है, जो मेहनत करना चाहता है, जिसके ऊपर लोग विश्वास रख सकते हैं और जो कम से कम महीना 25,000 रुपये एडिशनल कमाना चाहता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी नज़र में है तो मुझसे ज़रूर मिलवाएगा, क्योंकि मैं उसका भविष्य बनाने में उसकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, 30 से 40 उम्र इसलिए कि 30 से 40 उम्र वाला आदमी नॉर्मली शादीशुदा होता है, परिवार वाला होता है, और परिवार वाला होने के नाते वो काफ़ी जिम्मेदार होता है, और ये आदमी एजेंसी के लिए एकदम हॉट प्रोस्पेक्ट होता है। दोस्तों, ये जो तीन आइडियाज़ हमने देखी, इसके लिए हमें घर से बाहर निकलना होगा, ऑफिस से बाहर निकलना होगा, ब्रांच से बाहर निकलना होगा, और खुली मार्केट में जाके ये कैनवासिंग के तीन तरीके अपनाने होंगे। आइए अब देखते हैं ऑफिस में बैठे बैठे हम किस तरीके से एजेंसी कैनवास कर सकते हैं। नंबर 4, आजकल काफ़ी सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, फाइनेंशियल क्रंच की वजह से अपनी पॉलिसी सरेंडर करने के लिए ऑफिस पहुंचते हैं। अगर ऐसे लोगों से मिला जाए और उन्हें LIC एजेंसी के ज़रिए उनका ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम जिंदगी भर के लिए सॉल्व कर सकते हैं, इसका विश्वास दिलाया जाए, तो मुझे लगता है 10 में से 2 या 3 लोगों को हम एजेंसी देने में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 5, हमारे अपने एजेंट्स ये हमें काफ़ी अच्छे रेफरेंस दे सकते हैं एजेंसी के लिए, क्योंकि हमारे सारे एजेंट्स मार्केट में जब घूमते हैं, जब प्रॉस्पेक्ट को मिलते हैं, तो कई बार प्रॉस्पेक्ट पॉलिसी लेने से इनकार इसलिए करता है कि उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इनकम की कमी है, जिस वजह से वो पॉलिसी नहीं ले सकता। ऐसे लोगों का रेफरेंस ये एजेंट अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को दे सकता है, या तो उसे एजेंसी कैनवास कर सकता है, जिस वजह से तीनों लोगों का भला हो सकता है। एक प्रॉस्पेक्ट जिसको एजेंसी मिली उसका लाइफ बदल सकता है, उसको एक अच्छा करियर मिल सकता है। एक डेवलपमेंट ऑफिसर को एक बढ़िया एजेंट मिल सकता है, और एजेंट जिसने उसका रेफरेंस दिया उसको दुआएं तो मिलेगी, साथ में कंसल्टिंग फीस भी मिल सकती है। दोस्तों, अगर हमें एक कामयाब डेवलपमेंट ऑफिसर बनना है तो उसका राज है रेगुलर रिक्रूटमेंट। अगर हम हर महीने एटलीस्ट कम से कम 2 नए एजेंट्स रिक्रूट करते हैं तो साल भर में करीबन 20 से 25 नई रिक्रूट हम कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो एक दृढ़ निश्चय की। जैसे हम हमारे हर एजेंट को कहते हैं कि हर महीने कम से कम 2 से 4 पॉलिसी होनी ही चाहिए, यही रूल अगर हम अपने आप के ऊपर लागू करें तो एक विनिंग टीम बनाने में हमें मदद हो सकती है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए एंड स्टे सेफ़।